मजीठिया मानहानि मामले में तारीख भुगतने लुधियाना पहुंचे आप नेता संजय सिंह। संजय सिंह ने जालंधर में की प्रेस वार्ता। संजय सिंह ने कैप्टन अकाली और मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। कहा मजीठिया पर कार्रवाई करने की बात कहने वाली सरकार अब चुप क्यों? मजीठिया मानहानि मामले में तारीखें भुगत रहे आप नेता और राज्यसभा सांसद आज लुधियाना पहुंचे। इसके बाद संजय सिंह ने जालंधर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार व सरकार के हिस्सेदारों के खिलाफ बोलने वालों पर ही मानहानि के केस हो रहे हैं। जो एक साल में अपना एक भी वादा पूरा करके नहीं दिखाती, न रोजगार का, न कर्ज माफी का और ना स्मार्टफोन बांटने का, ऐसे बहुत सारी बातें। तो आज मैं लुधियाना आया हुआ था मजीठिया के मामले में और उसके बाद जालंधर में साथियों से मुलाकात हुई है। अब यहाँ से दुर्गियाना मंदिर और दरबार साहब मत्था टेकने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेके राम तीर्थ मंदिर जी, अच्छा बताइए, और आशीर्वाद लेकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं करती। रस्म अदायगी के लिए अगर कभी कोई कुछ बोल भी देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति बोल देगा तो उस पर डिफेमेशन भी होगा, उस पर मुकदमे भी होंगे, उसको जेल में भी डाला जाएगा। तो ये बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी ने बोला, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, मेरे ऊपर मुकदमा तो किया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि डिफेमेशन के कानून का कितना माफ़ कर रहा है। 5,000 करोड़ का डिफेमेशन का केस, क्या इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को या मुझे लगता है कि इस देश के माननीय न्यायालय को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, वरना ये डिफेमेशन के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा मामला है। डिफेमेशन कानून मजाक बन जाएगा। वही कैप्टन सरकार को निशाने पर लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि सत्ता में आते ही मजीठिया पर कार्रवाई करने की बात कहने वाली सरकार अब चुप बैठी है, क्योंकि ये दोनों सरकारें मिली हुई हैं जो एक दूसरे पर कभी भी कार्रवाई नहीं करेगी। तो कैंपेन चल रहा था तो मजीठिया को तो कांग्रेस भी टारगेट कर रही थी, तो आप देख लीजिए, टारगेट तो कर रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं किया ना। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हमको आप सत्ता दीजिए, हम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम नशा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम जो नशे का धंधा चला रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लोगों ने चुना, कैप्टन अमरिंदर ने कोई कार्रवाई अब तक मजीठिया के खिलाफ की हो तो आप बताइए। अच्छा। सिंह सिद्धू जी मजबूर हैं अपनी सरकार में, उनके मजीठिया के चाचा जी मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सरकार के मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री वैसे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जब तक चाचा भतीजे के साथ है, भतीजे के खिलाफ चाचा कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सिंह सिद्धू सुखबीर बादल के खिलाफ भी बोलते हैं, मजीठिया के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के बीच में फंसे हुए हैं। उनके चाचा जो हैं मजीठिया के, वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो जब तक चाचा मुख्यमंत्री है भतीजे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नवजोत सिंह सिद्धू की हो सकता है इस बात की बंसा हो, क्योंकि जब अकाली दल के साथ भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब भी वो मजीठिया के खिलाफ और अपनी पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी थी अकाली दल, उसके खिलाफ बोलते थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अभी भी बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू की मंशा हो कि मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई हो, बादल के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन चाचा बैठा है ना मुख्यमंत्री के तौर पे, वो नहीं कर रहा है। सुरक्षा के कारण का सवाल नहीं है। आप मुझे जरा बताइए, वही कंपनी कतर के साथ डील करती है, वही कंपनी इजिप्ट के साथ, दुनिया के तमाम देशों के साथ वही कंपनी डील करती है, वही जहाज बेचा जा रहा है, उसमें कहीं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के बेचा जा रहा है, उस जहाज के दाम दुनिया के देशों में क्या है, उस जहाज के दाम भारत के साथ पहले क्या डील होते हैं, और उस जहाज के दाम अचानक 3 गुना कैसे बढ़ जाते हैं, वो सीधा सा सवाल है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात का खुलासा वो नहीं करने जा रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यही बात तो, यही दलील तो वो फोर्स के मामले में कांग्रेस देती थी कि ये नेशन टू नेशन सेक्रेट डील है। भाई टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप इसी तरह की फालतू की बातें करके, आप बैंकिंग में जो घोटाला सामने हुआ,
152 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पीएनबी के द्वारा मोदी जी की सरकार के दौरान दिए गए। अब आप कह रहे हो 2011 से घोटाला चल रहा है। अरे भाई, आपको देश का चौकीदार बनाया, आप 60 महीने मांग रहे थे हमें चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो, तो चौकीदार तो अब हिस्सेदार हो गया है। तो जब चौकीदार भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हो जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, तो फिर तो साफ होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खिला पिला के जहाज से रवाना कर दूंगा। ये चल रहा है। मैं उन्होंने किस आधार पर नोटिस भेजा है, क्या उसका आधार है, बगैर उसको जाने हुए कोई टिप्पणी मेरी ओर से करना ठीक नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने बोले बताना चाहिए, मैं आपसे कह तो रहा हूँ। और यही हमारी रक्षा मंत्री जी ने पहले ये बयान दिया था कि हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं, हम पारदर्शी लोग हैं, हम ट्रांसपेरेंट लोग हैं और हम ये सारी डील ओपन करेंगे, लेकिन बाद में पलट गए। तो इसका मतलब दाल में काला है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मुझे कोई एक आदमी हिंदुस्तान का अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति ये समझा दे कि 3 महीने पुरानी कंपनी को जहाज का पार्ट्स बनाने का 22,000 करोड़ का ठेका कैसे मिल गया। आपको मालूम है हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेके आज तक का सबसे बड़ा जहाज का पार्ट्स बनाने का ठेका किसको मिला? अनिल अंबानी की 3 महीने पुरानी कंपनी को। कैसे मिल गया साहब? चलिए सर, देखिए, ईमानदारी की बात कहने से ईमानदारी सरकारी प्रक्रिया में आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ईमानदारी की बात कहने से सरकारें ईमानदारी से काम करने लगे फिर तो मोदी जी का कोई जोड़ी नहीं है। ऐसा ऐसा भाषण देते हैं कि देश रोने लगता है। तो ईमानदारी से काम करके दिखाना होगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह राणा गुरजीत सिंह के माइनिंग के भ्रष्टाचार में उनके पक्ष में खुलेआम सीना ठोक कर खड़े होते हैं तो कम से कम उनको ईमानदारी के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और बाद में उसी व्यक्ति को ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह वो बेनकाब होता है। का चुनाव ये कांग्रेस पार्टी के पुलिस का चुनाव था। पूरे पंजाब के अंदर पुलिस का जिस प्रकार से दुरुपयोग करके नंगा नाच किया गया, उससे इस चुनाव के परिणाम को देखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। चुनाव अगर निष्पक्षता से होता, ईमानदारी से होता, बहुत सारी जगहों पे कैंडिडेट्स और उनके एजेंट को मारकर भगा दिया, पुलिस वालों ने लाठियों से पीट के भगा दिया, और नतीजा ये हुआ कि एकतरफा कांग्रेस जीती है। इतनी लोकप्रियता कांग्रेस की चुनाव के बाद नहीं बढ़ गई कि वो 90% सीटों पर एक तरफा जीत जाएंगे। आपकी लीडरशिप उसके बारे में ज़्यादा आपको बता पाएगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी है, जो यहाँ का लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, उस चुनाव के अंदर खुलेआम पुलिस का शासन का दुरुपयोग किया गया, परिणामों को प्रभावित किया गया, चुनाव निष्पक्षता से नहीं हुए। लगे हुए हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके वहाँ चुनाव लड़ रही है, अच्छे परिणाम आने चाहिए। लेकिन अगर सत्ता का दुरुपयोग होगा, पुलिस के डंडे से चुनाव होगा, तो फिर चुनाव के परिणाम को उस दृष्टि से देखना चाहिए। मैंने कहा सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैंने जो कहा वो सही कहा, मैं उस पर कायम हूँ। मैं किसी एक मामले में अपनी बात से पीछे हटाऊँ तो आप बताइए। इसके बारे में न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर डिफेमेशन कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो अच्छी दबंगई ही हो गई ना उद्योगपतियों की, कि भाई वो भ्रष्टाचार भी करेंगे और अगर उनके भ्रष्टाचार पे आप बोलें तो लूट के उन्होंने पैसा रखा ही है, वो आप पे डिफेमेशन कर देंगे। ये जो इसका आकलन जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारी लोकप्रियता बढ़ी है कि घटी है? अभी आपके टीवी चैनल के सर्वे ने भी दिखाया है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके काम के तौर पर लोग सराहना कर रहे हैं। तो हमने जो वादे जनता से किए थे, हमारा 70 पॉइंट का एजेंडा था, हम 3 सालों में उन एजेंडों पर काम करने का काम हमने किया, उसको पूरा करने का काम किया है, और मुझे लगता है उसका परिणाम आपको चुनाव जब भी होगा देखने को मिलेगा। अभी के ही सर्वे में, 2 साल पहले के सर्वे में एक तरफा आम आदमी पार्टी की जीत टीवी सर्वे में दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत हम लोगों के लिए अक्सर पॉजिटिव नहीं रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा डिफेमेशन है, और ये डिफेमेशन कानून का मजाक है, इसका संज्ञान न्यायालय को लेना चाहिए। लगता है कि अभी पार्लियामेंट का जो पहला सेशन था, और 6 साल हमारे दिल्ली के कांग्रेस के 3 सांसद थे,
कृपा करके इन 9 दिनों में हमने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया है उसका अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। मैंने पहले दिन शपथ लेने के पहले सीलिंग का मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, सीलिंग का मुद्दा उठाया, जितना मुझसे बन पाया, नफरत की राजनीति के खिलाफ पार्लियामेंट में बोला। तो जो मौका हम लोगों को मिला है हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। बाकी किसको चयन किया गया नहीं किया गया उसके बारे में पार्टी 50 बार अपनी बात कहती है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।